Hello students, welcome back to online sessions of Giri Tutorial. In today's session, we are going to discuss the objectives of business. See, every business activity are guided by objectives. And objectives are classified as economic objective and social objective. We all know what is economic objective, but along with economic objective, there are certain social objective which has to be achieved by the business. Now, objectives are further classified as economic objective and social objective. Now, we are going to start with economic objectives. First one is earning profit. Profit is required for survival of business and for its growth. Profit is the main motive behind starting any business. The main motive is to earn profit, because profit is required for survival of the business and for its growth. No business can survive without profit. See, in the initial stage, there is a time when business is in a situation that it does not earn a very big amount of profit. So there businessman can shell out money from his pocket. But after some time, it gets very difficult for a businessman to shell out money which is required in the business from his pocket. So, after some time, if the business have to survive, then it should earn profit. Without profit, no business can survive. See, aapka business aapne new setup kiya hai and initial stage mein aapko profit nahi ho raha hai, to wahan pe aap, matlab initial stage pe business jab naya hota hai, to you have to give a chance. Because initial stage pe utna jaldi profit earn nahi hota hai, to aap apne pocket se aap paisa लगा रहे हो जितना भी बिजनेस में रिक्वायर्ड है. बट आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ टाइम के बाद इट गेट्स डिफिकल्ट कि आप हर बार अपने पॉकेट से पैसे नहीं लगा सकते हो. आपका बिजनेस जो है वो अर्न करना, आपका बिजनेस जो है वो प्रॉफिट करना स्टार्ट करना चाहिए, सो दैट इट कैन ग्रो एंड सर्वाइव. विदाउट प्रॉफिट सर्वाइवल इज नॉट पॉसिबल. अगर आपको मार्केट में, अगर आपका, आपको चाहिए कि आपका बिजनेस सर्वाइव करे, तो प्रॉफिट बहुत रिक्वायर्ड है. तो द फर्स्ट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इज अर्निंग प्रॉफिट. अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल ऑफ बिजनेस एंड फॉर इट्स ग्रोथ. नाउ नेक्स्ट इज सर्चिंग न्यू कस्टमर. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैव टू वर्क हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर. सी, एवरी टाइम बिजनेसमैन दे आर इन सर्च ऑफ न्यू कस्टमर. हर बार वो लोग नए नए कस्टमर्स के सर्च में होते हैं. दे वर्क वेरी हार्ड टू क्रिएट न्यू कस्टमर, टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर एंड ऑल्सो टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग वंस. सी, जब आप नए नए जब कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे, नए कस्टमर्स जब एड होंगे, तब आपकी कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट क्या कर सकती है, अर्न कर सकती है, जो बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड है. सो सर्चिंग न्यू कस्टमर is also an economic objective of business. आप जितने ज्यादा ज्यादा कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट करोगे, एड करोगे, आपकी कंपनी उतनी ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी. नेक्स्ट इज इनोवेशन. इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट इन टू इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन R&D एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सी, इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इनोवेशन देयर इज इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड एन अमाउंट ऑन इनोवेशन. और वो अमाउंट आप अपनी पॉकेट से हर बार नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो. इनोवेशन के लिए यू हैव टू शेल आउट अ बिग अमाउंट. तो जब आपकी कंपनी प्रॉफिट मेकिंग होगी, तभी जाके आप एक अच्छा खासा अमाउंट क्या कर सकते हो, आप इनोवेशन के लिए यूज कर सकते हो. इट हैज टू स्पेंड मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केट सर्वे, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. सी, विद द मार्केट सर्वे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस. सी, विद द हेल्प ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट यू गेट टू नो दैट व्हाट आर द न्यू रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर्स, व्हाट आर द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर्स एंड व्हाट इज द चेंज इन द मार्केट विच यू कैन यूटिलाइज and you can earn money. So for this, for research and development, for market survey, you have to spend a lot of amount.
एंड दैट अमाउंट यू कैन नॉट शेल आउट फ्रॉम योर पॉकेट, बिकॉज हर बार आप खुद के पैसे आप इन्वेस्ट करो ऐसा पॉसिबल नहीं है. तो अगर इनोवेशन इनोवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट ब्रिंग पॉजिटिव चेंज, इट रिजल्ट इन टू इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्ट और इम्प्रूवमेंट इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो जो इनोवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो, मार्केट सर्वे कर रहे हो, नए नए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, तो उससे डेफिनेटली आपके प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट आएगा. एंड ये सब आप इतने एफर्ट्स आप ले रहे हो सो दैट यू कैन इंक्रीज योर प्रॉफिट. नाउ नेक्स्ट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. रिसोर्सेस आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेट यूजेस. दे शुड बी यूज्ड टू इट मैक्सिमम एंड शुड अवॉइड वेस्टेज. ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज अल्टीमेटली लीड्स टू इंक्रीज इन प्रॉफिट. से जितना आपका जो रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस हमेशा स्केयर होता है, स्केर्स होता है, मतलब रिसोर्सेस हमेशा लिमिटेड होता है. अगर आप उसका बेस्ट पॉसिबल यूज कर रहे हो तब जाके आपकी जो कंपनी है उसका जो प्रॉफिट है वो अल्टीमेटली इंक्रीज होगा. बिकॉज आप जब आपका रिसोर्सेस जो है वो वेस्ट नहीं होगा, आपका रिसोर्सेस जो वेस्ट नहीं होगा, जब रिसोर्सेस वेस्ट नहीं होगा तो अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा. एंड जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो देयर विल बी एंड इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रॉफिट. तो यहाँ पे आप अगर अपने रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज कर रहे हो तो उससे आपका वेस्टेज कम होगा एंड अल्टीमेटली आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होगा एंड आपकी प्रॉफिट आपकी जो एफिशिएंसी लेवल है हाई होगी एंड आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है बिना प्राइस इंक्रीज किए भी आपकी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा. सो दीज आर द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस. फर्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट. प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड फॉर सर्वाइवल एंड फॉर ग्रोथ. नेक्स्ट इज सर्चिंग न्यू कस्टमर. बिजनेसमैन इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ न्यू कस्टमर. So that in search of new customer, he tried to attract new customer so that he can increase the customer base and ultimately that will bring good profit. Next is innovation. It is very important to spend an amount on innovation because every time you will innovate something that will bring a positive change in the product and that will lead to increase in efficiency as well as people will लव योर अपडेटेड प्रोडक्ट. इनोवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जितना ज्यादा आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करोगे, मार्केट सर्वे आप करोगे, यूज ऑफ आप नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करोगे तो इससे आपके प्रोडक्ट में पॉजिटिव चेंज आएगा एंड आपका जो प्रोसेस है, प्रोडक्शन प्रोसेस है, या तो आपका प्रोडक्ट में चेंज आएगा या तो आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इंप्रूव होगा. तो दोनों का बेनिफिट आपकी कंपनी को मिलेगा. नेक्स्ट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेस. सी रिसोर्सेस आर स्केयर एंड हैव अल्टरनेट यूजेस. तो आपको रिसोर्सेस क्या करना है, आपको मैक्सिमम उसका यूज करना है एंड आपको बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं करना है. यू हैव टू यूज इट एट द ऑप्टिमम लेवल so that there should not be any wastage of resources and avoiding wastage of resources will result in increased profit. Next is social objectives of business. Social objectives are the objectives which you have framed it for सोसाइटी. जो ऑब्जेक्टिव आपने सोसाइटी के लिए फ्रेम किया है एंड द वेरी फर्स्ट वन इज सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट. सी इट इज एन सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस दैट दे हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट कस्टमर. क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा. हर बिजनेस का सोशल ऑब्जेक्टिव है दैट दे हैव टू सप्लाई गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू द कस्टमर. कस्टमर्स आपको पे करते हैं एंड आपको उनको जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो दैट शुड बी क्वालिटी, उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होना चाहिए. क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी एक्सेट्रा. नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग
advertisement, wrong measurement, etc. should be avoided. It is important for survival and growth of business unit. See, avoiding unfair trade practices. As a business, you should never get involved in unfair trade practices. For example, black marketing, misleading information, wrong measurement, it should be avoided. See, it is very important for survival and growth of business unit. If you want to survive in the long run, अगर आपको business, आपको चाहिए कि आपका business जो है वो लंबे time तक market में रहे, तो आपको आपको unfair trade practices बिल्कुल भी use नहीं करना है. You have to avoid unfair trade practices. Next is employment generation. Business is a socio-economic institution. Business should create job for skilled and unskilled people. It should provide employment opportunity to economically backward people and to the underprivileged people. See, a business is a socio-economic institution. As a business, आपका social objectives होना चाहिए that you should try to create maximum job opportunity. अब ज्यादा से ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट करनी है फॉर स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड पीपल. सी, यू शुड ऑलवेज ट्राई टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल. नाउ नेक्स्ट इज वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज. स्किल्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी. सो इफ एम्प्लॉयज आर प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ, इट ब्रिंग वेलफेयर टू द सोसाइटी. This can be achieved by providing fair and regular remuneration, good working condition, impartial personal policy, offering incentives, etc. Skilled and unskilled worker, they both are the part of the society. So you should always, as a business, you should always try to bring welfare to the society. Skilled, unskilled, दोनों भी जो labor है, दोनों workers है, they are part of society. तो आपको हमेशा society में उनके welfare के लिए आपको कुछ you should always try to bring welfare to the society. अभी ये आप कैसे achieve करोगे? By providing fair and regular remuneration, उनको fair and regular payment करके, उनको अच्छा working condition देके, impartial personal policy, जो personal policy है वो पार्शियल नहीं होना चाहिए. यू हैव टू बी फेयर इनफ एंड ऑफरिंग इंसेंटिव. यू शुड प्रोवाइड देम इंसेंटिव फॉर देयर हार्ड वर्क. नाउ नेक्स्ट इज हेल्प टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम. ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन मेनी सोशल प्रॉब्लम अराइज लाइक ट्रैफिक जैम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन एक्सेट्रा. बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ दिस एंड शुड ट्राई टू रिड्यूस देम. सी, ड्यू टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम जो है वो अराइज हो गई है, लाइक ट्रैफिक जैम, ग्रोथ ऑफ स्लम्स, एयर एंड वाटर पोल्यूशन. तो एज अ बिजनेस यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दी सोशल प्रॉब्लम्स एंड यू शुड ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस देम. यू शुड ट्राई टू रिड्यूस देम. Next is contribution to the welfare of the society. Business house should take care of general welfare of society. For that, they should give donation for good cause, offering scholarship for higher education, etc. अभी देखो, business houses जो है, they should take care of general welfare of society. उनको अभी जो business house, business जो business है, उनकी जो भी requirement होती है, for example, उनको जो capital मिलता है, कैपिटल उनको सोसाइटी से मिलता है, जो उनके लेबर्स है, वर्कर्स है, दे आर फ्रॉम दिस सोसाइटी. एंड तो उनको जितनी भी उनका जो बिजनेस ऑपरेट होता है वो सोसाइटी में होता है. जो उनके कस्टमर्स है वो उनको सोसाइटी से ही मिलते हैं, उनके एम्प्लॉय सोसाइटी से आते हैं. तो उनका जो सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो लोग सोसाइटी के अच्छे के लिए वो लोग कुछ काम करें. एंड फॉर दिस दे शुड गिव डोनेशन फॉर गुड कॉज, ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन एक्सेट्रा. तो वो लोग गुड कॉज के लिए वो लोग काम कर सकते हैं बाय गिविंग डोनेशन. वो लोग अलग अलग सोशल ऑब्जेक्टिव्स के लिए अलग अलग कैंपेन स्टार्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ट्री प्लांटेशन है, तो ये सब करके वो लोग अपना एक सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वो लोग कुछ काम कर सकते हैं. तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी उनको कॉन्ट्रीब्यूशन करना है. सो दीज आर दी सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस. सो नाउ आई थिंक, आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर. लेट्स हैव अ क्विक रिकैपिटुलेशन ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दैट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव एंड सोशल ऑब्जेक्टिव. अभी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में अर्निंग प्रॉफिट,
फर्स्ट वन इज अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट है फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस. नेक्स्ट इज सर्चिंग न्यू कस्टमर. एज अ बिजनेस यू शुड ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड टू क्रिएट, टू अट्रैक्ट एंड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग कस्टमर. अब जब आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका प्रॉफिट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. नेक्स्ट इज इनोवेशन. इट इज अ डेवलपमेंट और पॉजिटिव चेंज विच रिजल्ट इन इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इनोवेशन जो है वो हमेशा एक पॉजिटिव चेंज है जो आपके प्रोडक्ट में भी इम्प्रूवमेंट लाता है और उसके प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में भी. नेक्स्ट इज बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ रिसोर्सेज. आप रिसोर्सेज का जितना अच्छा यूज करोगे उतना ज्यादा उतना ही आपका वेस्टेज कम होगा एंड अल्टीमेटली आपका जो प्रॉफिट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा. नाउ नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट वन इज सप्लाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट. आप एवरी बिजनेस हैज टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट टू इट कस्टमर. हर एक बिजनेस को उनके कस्टमर्स को क्वालिटी प्रोडक्ट देना चाहिए. अभी क्वालिटी मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्योरिटी, सेफ्टी, ड्यूरेबिलिटी एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. आपको एज अ बिजनेस यू शुड नॉट इन्वॉल्व इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक ब्लैक मार्केटिंग, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, रॉन्ग मेजरमेंट. ये सबको आपको अवॉइड करना है. एंड ये अवॉइडिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस यूनिट. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. बिजनेस इज अ सोशियो इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यू शुड ऑलवेज एज अ बिजनेस यू शुड try to create, you should always create employment opportunities for both skilled and unskilled people. Next is welfare of employee. See, employees are the part of the society. Skilled and unskilled worker are the part of the society. So employees are, they are also part of the society. So as a business, you should always try to take good care of them by providing them good remuneration, fair salary, by giving them good working conditions, etc. Next is help to solve social problem. See, due to rapid industrialization, many social problem have arises like traffic jam, growth of slum area, water pollution. Business should be aware of this and should try to reduce them. Next is contributing to the welfare of the society. Business house should take care of general welfare of the society. They should always get involved in social activities by giving donations, offering scholarship for higher education, etc. So these are the economic objectives and social objectives of business. Economic objective जहाँ पे आपका object, आप profit earn करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर रहे हो. Economic objectives में it involves the things which is required to earn profit. और social objectives में वो सारी चीजें include है जो आप society के लिए कर रहे हो. So with this, I would like to